फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे टिप्स टेक्नोलॉजी चैनल पर। ठीक है, मैं आज आपको सैमसंग का J7 प्रो का फोल्डर आपको प्रॉपर फिटिंग करना आपको बताऊंगा। ठीक है, ये OLED डिस्प्ले है, ठीक है, सैमसंग की। ठीक है, और इसको किस प्रकार से फिटिंग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो हम इसके लॉक को अनलॉक कर लेते हैं। ठीक है, ये मोबाइल है। ठीक है, इसके बाद में अपने को फोन बार में जाना और सबसे पहले हमें इसको चेक करना है कि इसकी टच प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, और जो भी इसके वेब कैमरा सेंसर वगैरह वो सब कुछ अपने को टोटली चेक करने होते हैं सबसे पहले। ठीक है, *S06#, सॉरी इसको कैंसिल हम कर देते हैं। ठीक है, दोबारा लिखते हैं *S0#। ठीक है, इससे क्या अपना सब कुछ खुल जाएगा, जैसे रेड, ठीक है, ओके, ग्रीन, ओके, ब्लू, ओके। ठीक है, रिसीवर आप इसमें चेक कर सकते हो, अपने को आवाज़ देगा, वाइब्रेट देगा, वाइब्रेट चेक कर सकते हो। ठीक है, लाइट की डिमिंग चेक कर सकते हो, ये सेम वेब कैमरा चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम बताते हैं दोस्तों सेंसर की बात। सेंसर के सामने आप इस तरह से हाथ लगाओगे तो इस तरीके से वाइब्रेट के साथ ग्रीन होगा। ठीक है, इसके बाद हम इसको बैक कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम चेक करते हैं इसके टच को। ठीक है, टच को चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस तरीके से ये जो पूरी अंडरलाइन है, ठीक है, इसको क्या हमें फिलअप करना होगा। ठीक है, फिलअप करने के बाद ये वापस रिटर्न उसी प्लेस पे चला जाता है, तो दैट मीन्स हमारी जो टच है वो एकदम ओके वर्क कर रही है। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हमको इसको चेक कर लेना है। ठीक है, ये स्पीकर आप इसका चेक कर लें। ठीक है दोस्तों, अब इसकी सब की आप चेक कर लीजिए। ठीक है, सब की पे आप इस तरीके से हाथ लगाओगे। ठीक है, ठीक है, ये वर्किंग में। ठीक है, ये अपने को पता चल रहा है, तो इस प्रकार से हमको क्या है चेक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अब मैं इसको आपको फिट करना बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, इसमें आपको सबसे पहले तो क्या है, बिल्कुल भी कस्टमर के कैमरे को बिल्कुल भी टच नहीं करना, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का डस्ट आ जाता है, तो ये ध्यान रख लेना कि कस्टमर आपको उसका रिटर्न ले ले सकता है आपसे। ठीक है, उसके बाद में प्रॉपर फिटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ी सी इसमें बीच में डबल टेप लगा देते हैं इस जगह पर, कि जिससे क्या है अपना फोल्डर है जो उठे नहीं बाद में किसी टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पर हम डबल टेप का यूज़ कर लेते हैं। वैसे अगर आप करना चाहो तो कर लेना, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। ठीक है, इस तरीके से हम डबल टेप का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, दोनों साइड से। ठीक है, उसके बाद में इस डबल टेप को क्या है हमें बिल्कुल हटा लेना है। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करा करें, पूरा देखा करें। ठीक है, और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है उसको लाइक शेयर किया करें और सब्सक्राइब जरूर किया करें, और न्यू सब्सक्राइबर नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, उसके बाद में हमको ग्लू को लगाना है। ठीक है, तो ये आपको ग्लू मार्केट में T7000 के समथिंग, ठीक है, ब्लैक कलर का आपको मिल जाएगा, ओरिजिनल क्वालिटी में ही आप लेना इसको। ठीक है, इस टाइप से ज़्यादा मात्रा में ग्लू ना लगा के थोड़ा कम ग्लू लगाना, जिससे कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे डिस्प्ले चिपकने का बहुत चांस हो जाता है। ठीक है, और आपने ये केस सुना होगा दोस्तों कि कस्टमर की डिस्प्ले उठ जाती है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि IC होती है ना, जो वो कॉपी डिस्प्ले, जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो के ऊपर बताया भी था, ठीक है, उसके कारण से ये IC पे ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ग्लू लगाते आना है। ठीक है, तो चारों साइड ग्लू लगा लेना है। ठीक है, आराम आराम से, इजीली इजीली, थोड़ा 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 ग्लू बिल्कुल लगाते रहें, बिल्कुल भी इसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, ग्लू ऑटोमेटिक थोड़ा थोड़ा निकलता रहेगा। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, थोड़ा आपको इस साइड भी लगा लेना है, की साइड। ठीक है, और ग्लू उसी मात्रा में लगाए कि ग्लू ज़्यादा मतलब फैले नहीं। ठीक है, कई बार क्या होता है ज़्यादा ज़्यादा ग्लू लगा देते हैं, ठीक है, उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है बाद में अपने को। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। ठीक है, जितना हो सके ग्लू को बिल्कुल एक मैक्सिमम यूज़ में ही ग्लू को लगाएं। ठीक है, इस तरीके से हमको ग्लू को लगा लेना है। ठीक है, हमने ग्लू लगा लिया। ठीक है, आप थोड़ा सा ग्लू का अगर यूज़ करना चाहते हो तो इधर भी यूज़ कर सकते हो, हल्का हल्का सा। ठीक है, हल्का हल्का सा यूज़ करें, ज़्यादा ना करें। ठीक है, इस टाइप से, और थोड़ा सा इधर यूज़ कर सकते हो इस टाइप से। ठीक है,
और इधर भी यूज़ कर सकते हो आप थोड़ा सा, ठीक है, इस टाइप से। और कैमरे को और सेंसर को बिल्कुल ही बचा कर रखना है, ठीक है। और अगर कैमरे के ऊपर आपको दिख रहा है कि थोड़ा ग्लू, अगर आपका बाय द वे कभी भी लग जाता है, जैसे ऊपर से उसमें क्या एक रेशा निकलता है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा क्या है, इस बड से क्लीन कर सकते हो आप, ठीक है। इस टाइप की बड्स आती है, उससे आप क्लीन कर सकते हो, ठीक है। उसको क्लीन करने के बाद में दोस्तों हमें क्या करना है, सिंपली ये फोल्डर लेना है, ठीक है। इस फोल्डर में आप देखोगे तो आपको ये पन्नी जो दिख रही है, इसको हमें बिल्कुल रिमूव कर लेना है इजीली, ठीक है। इस टाइप से हम इसको रिमूव कर लेते हैं। अब देखिए आप ओएलईडी डिस्प्ले, ठीक है, ये एकदम इस टाइप की क्या है, अपने को पन्नी मिलेगी, ठीक है, ओएलईडी डिस्प्ले में, ठीक है। और बाकी जो आपको और उसमें नहीं मिलती है, ठीक है। तो इस टाइप की ये इसकी क्वालिटी होती है कि इससे अपने को ओरिजिनलिटी का पता चलता है, ठीक है। बाकी अब हम क्या करेंगे, इसको फिट करेंगे, ठीक है। तो फिट करने से पहले हमें इसका क्या है, पत्ता लगाना पड़ेगा, ठीक है, इसमें जैक में, ठीक है। बाकी इसमें एक वो भी होता है रोकने के लिए, इसमें एक स्टील का कंपनी लगा रखती है, बाकी वो इसमें नहीं है, क्योंकि पहले भी इसमें किसी ने फोल्डर लगाया था, ठीक है। और वो क्या है कि बिल्कुल ही रिमूव कर दिया किसी ने, तो मिस्त्री ऐसे काम करते हैं, ठीक है। पर आपको मिस्त्री वाला काम नहीं करना है, आप कस्टमर की जितनी भी चीज़ आप फोन से निकालते हो वो कम्प्लीटली उसकी लगा दो, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। इसके बाद में हमें इसे फिटिंग करना है इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से हमें इसे फिटिंग करना है प्रॉपरली, ठीक है, इस टाइप से। और आप इसको देख सकते हो कि बिल्कुल भी साइड में बिल्कुल भी गैप नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इससे हमें क्या है, इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी का पता चलता है कि इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी कितनी बेस्ट है, ठीक है। बाद में इसमें हमें क्या है, रबर बैंड्स लगाने हैं, ठीक है। रबर बैंड्स मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ, ठीक है। बाकी एक मार्केट में आजकल क्या है, टूल्स भी आने लगा है दोस्तों, कि उससे क्या है, आप प्रेस कर सकते हो, ठीक है। आप यूट्यूब पर जाकर देखना, ठीक है, और वीडियो को दोस्तों कंप्लीट ही देखा करें, कभी भी आधा अधूरा ना देखा करें। और उसको फिट करके ही हमें इसमें क्या है, रबड़ बैंड्स का यूज़ करना है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप बिगर प्रॉपर फिटिंग के उसमें रबड़ फिटिंग कर देते हैं, ठीक है। और बाकी जो ये एक्स्ट्रा ग्लू अगर बाय द वे बाहर निकल भी गया है ना, तो इस ग्लू को आप बाद में भी रिमूव कर लेना थोड़ा थोड़ा थिनर से या आईपी की हेल्प से, ठीक है। और बाकी कोई प्रॉब्लम अपने को आती नहीं है, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर आप रबर बैंड्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इस टाइप से। इसमें आप 3 राउंडिंग लगा सकते हो, ठीक है। और अगर चाहो तो अगर रबड़ अलग क्वालिटी की है तो उसमें 4 राउंडिंग भी लगा सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से भी आप थोड़ा सा क्या है, एक इस टाइप से भी लगा दें कि जो ये प्रॉपर फिटिंग सारी जगह से हो जाए, ठीक है। और इसमें बाकी कुछ भी नहीं है, अब आप इसको अपने हिसाब से जितनी मतलब इसमें रबर्स लगाना चाहते हो वो रबर्स लगा सकते हो, और रबर्स की जितनी मतलब टाइटनेस रहेगी उतना ही अपना फोल्डर एकदम प्रॉपरली सेट होगा, ठीक है। बाकी आप इसमें बीच में भी रबर लगा सकते हो, ये की से यहाँ पर भी लगा सकते हो, यहाँ पर भी लगा सकते हो, वो लगानी होगी अपने को, ठीक है, और अपना फोल्डर बिल्कुल प्रॉपर सेट हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आए तो मुझे आप कमेंट करके बताया करें कि सर हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को फिटिंग करनी है इसकी प्रॉपर, और आप किसी फिटिंग भी देख सकते हो, आपकी हर जगह से इसकी प्रॉपर फिटिंग आई है, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है उसको लाइक शेयर जरूर किया करें, और नए सब्सक्राइबर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।